Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6 by Brain Root Series. And here is a book. The name of your book is Literary Journeys. Today we are going to start with chapter number 5 of your book. And the name of the chapter is 10 Tall Oak Trees. And this is a poem. Let's move on to warming up. So man has always been selfish when it comes to nature. So children, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हम human beings हैं, हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा selfish बन जाते हैं अगर हम nature की बात करें. For his own uses, man has been exploiting nature. हमने अपने अपनी ज़रूरतों के लिए nature को काफ़ी ज़्यादा exploit किया है. Read the poem about the 10 tall oak trees. तो चलिए 10 tall oak trees के बारे में पढ़ते हैं. Over a period of time, a stand of 10 oak tree is cut down one by one until there are none. तो क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, एक एक करके ये जो 10 ओक ट्रीज थे इन्हें काटा गया और उसके बाद लास्ट में क्या बचा, नन, मीन्स कुछ भी नहीं. नाउ हियर एन एक्सरसाइज इज गिवन. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू रिकॉग्नाइज सम ऑफ द फेमस ट्रीज गिवन बिलो. तो यहाँ पे कुछ ट्रीज की पिक्चर दी गई है, आपको क्या करना है, इन्हें पहचानना है. सो डू दिस योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोम. Here the first stanza says, जो first stanza है वो क्या कहता है, 10 tall oak trees standing in a line, warships cried King Henry, then there were 9. So यहाँ पे जो first paragraph है या जो first stanza है वो ये कहता है कि 10 tall oak trees, 10 बड़े बड़े tall oak trees खड़े हैं एक line में. Standing in a line means एक line में खड़े हैं. Warships cried King Henry. King Henry एक king है, उन्होंने क्या बोला, warships means उन्हें अपने war के लिए ships बनाने थे. तो क्या हुआ, उन्होंने इन 10 में से एक tree को cut कर लिया अपने लिए ship बनाने के लिए. So then there were 9. तो अब कितने tree बचे, 9 trees बचे. 9 tall oak trees growing strong and straight, charcoal break the furnace, then there were 8. So, अब जो next paragraph, जो next stanza है वो कहता है कि अब जो है 9 tall oak trees, 9 tall oak trees खड़े हैं line में, growing straight and strong. वो कैसे grow कर रहे हैं, strong होके grow कर रहे हैं, straight सीधे सीधे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. अब थर्ड लाइन कहता है कि चारकोल ब्रेड द फर्नेस. फर्नेस क्या है, आप कह सकते हो एक तरीके की भट्टी जिसमें लकड़ियों को जलाया जाता है. तो अब उस भट्टी को किसकी जरूरत थी, चारकोल की. तो उस चारकोल के लिए एक ओक ट्री और काट दिया गया. सो चारकोल ब्रेड द फर्नेस देन देयर वर 8. अब क्योंकि एक ट्री और कट गया, 9 में से एक और कम हो गया, क्योंकि वो कहाँ चला गया, वो एज अ चारकोल चला गया इस फर्नेस में. तो देन देयर वर 8. तो अब कितने ट्रीज बचे हैं, 8 ट्रीज बचे हैं. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, 8 टॉल ओक ट्रीज रीचिंग टूवर्ड्स हेवन सिजल स्मोक द लाइटनिंग देन देयर वर 7. अब जो है टोटल पोएट कह रहे हैं कि 8 टॉल ओक ट्रीज बचे हैं और वो कैसे हैं, वो रीचिंग टूवर्ड्स हेवन, वो इतने ऊंचे हैं ऐसा लग रहा है वो हेवन तक पहुंच रहे हैं. सिजल स्पोक द लाइटनिंग, अब क्या हुआ, एकदम से आसमान से बिजली चमकी और जिसमें उन सारे 8 ट्रीज में से एक ट्री जल गया. तो सिजल मीन्स जल जाना, तो वो एक ट्री वहां पे जल गया जिसके बाद क्या हुआ, देन देयर वर 7. तो अब 8 में से कितने ट्रीज बचे, 7 ट्रीज बचे. 7 टॉल ओक ट्रीज
branches, leaves and sticks. Firewood smiled the merchant, then there were six. अब जो है टोटल सेवन ट्रीज बचे थे, पहले टेन थे, अब सेवन बचे हैं. सो सेवन टॉल ओक ट्रीज हैं. ब्रांचेस लीव्स एंड स्टेक्स, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे लीव्स हैं और बहुत सारे स्टिक्स भी हैं. अब इन सब में, इन सब फीचर्स के होने के बाद क्या हुआ? फायरवुड स्माइल द मर्चेंट, एक मर्चेंट था जिसे क्या चाहिए थी, लकड़ी चाहिए थी आग जलाने के लिए, फायरवुड के लिए. तो उसने क्या किया, उसमें से एक पेड़ काट दिया और उसे एज अ फायरवुड यूज करने लगा. सो अब जबकि मर्चेंट ने एक ट्री काट दिया, तो देन देयर वर सिक्स. कितने ट्रीज बचे? सिक्स ट्रीज बचे. सिक्स टॉल ओक ट्रीज ग्लैड टू बी अलाइव. अब यहाँ पे पोएट आगे हमें बता रहे हैं कि सिक्स टॉल ओक ट्रीज, सिक्स टॉल ओक ट्रीज हैं एंड दे वर ग्लैड टू बी अलाइव. वो बहुत खुश थे, ग्लैड मीन्स खुश थे कि वो जीवित हैं, वो अलाइव हैं. बैरल्स बूम द ब्रियोरी, देन दे वर फाइव. अब क्या हुआ, ब्रियोरी में बैरल्स की जरूरत पड़ी. बैरल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा एप्पल जूस वगैरह रखने के लिए जो है बैरल्स की जरूरत होती है. तो बैरल एक तरीके का कंटेनर होता है जो इस शेप का होता है, ऊपर ऐसे ढक्कन लगा हुआ होता है. तो ऐसे होते हैं बैरल्स जो लकड़ियों से बनाए जाते हैं. तो ये जो बैरल है, इसे बनाने के लिए ब्रियरी में क्या चाहिए था, बैरल की जरूरत थी. तो अब जो है एक ट्री को और काट दिया गया ताकि उससे बैरल बनाया जा सके. देन देयर वर फाइव. अब एक ट्री और कट गया सिक्स में से, तो बचे फाइव ट्रीज. फाइव टॉल ओक ट्रीज सडनली अरोर. गैंगवे स्क्रीम द वेस्ट विंड, देन देयर वर फोर. सो अब क्या हुआ कि ये फाइव ओक ट्रीज बचे हुए थे, अचानक से एक रोर की, एक बहुत तेज शोर की आवाज आई. एंड गैंगवे स्क्रीम द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड जो चल रही थी उसने एक आवाज दी और वो था गैंगवे. मीन्स कोई शिप वहां से गुजर रही थी और उसे भी एक पेड़ की जरूरत थी, एक ट्री की जरूरत थी जिससे वो अपने शिप को मेंटेन कर सके. तो उसने क्या किया, उसने भी एक पेड़ को काटा एंड अब वहां पे सिर्फ फोर ट्रीज बचे थे. फोर टॉल ओक ट्रीज साइंग लाइक द सी. फ्लो बोट्स बीम द बिल्डर, देन देयर वर थ्री. अब क्या हुआ कि जब फोर ओक ट्रीज बचे, साइंग लाइक द सी, वो क्या कर रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, कैसे, सी की तरह. और अचानक से, क्योंकि उनके जो ट्रीज थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, तो वो एक साइक रिलीफ की सांस ले रहे थे. एंड अचानक से एक बिल्डर वहां पे आता है और उसने क्या बोला कि उसे क्या चाहिए, एक ट्री चाहिए. क्या बनाने के लिए, फ्लोर बोर्ड्स बनाने के लिए उसे एक ट्री चाहिए. फ्लोर बोर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा जहां पे शिप्स को रखा जाता है वहां पे फ्लोर बनाया जाता है. फ्लोर बनता है लकड़ियों से, जिसे आप एक तरीके से डेक भी कह सकते हो. तो उस फ्लोर पे चढ़ के ही आप शिप तक जाते हो. सो फ्लोर बोर्ड बनाने के लिए उस बिल्डर को क्या चाहिए था, आप जो है लकड़ी चाहिए थी. या फिर आप देख सकते हो कि घरों में भी जो फ्लोर होता है, कई बार लोग फ्लोरिंग क्या कराते हैं, वुडन फ्लोरिंग कराते हैं. तो ऐसे फ्लोर बोर्ड बनाने के लिए एक बिल्डर को लकड़ी चाहिए थी. तो उसने क्या किया, उसने एक और ओक ट्री को काट लिया. एंड देन देयर वर थ्री. अब कितने ट्रीज बचे, थ्री ट्रीज बचे. नेक्स्ट, थ्री टॉल ओक ट्रीज ग्रोनिंग एज ट्रीज डू. अब जो है लास्ट में थ्री ट्रीज बचे और वो क्या कर रहे थे, ग्रोन कर रहे थे. मीन्स वो मन मन में रो रहे थे, वो अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहे थे. एंड अनसेफ क्लेम द काउंसिल, देन देयर वर टू. तो अब ये जो ट्रीज हैं, ये रो रहे थे, ये ग्रोन कर रहे थे. तो ये सब सुन के जो वहाँ पे जो काउंसिल था, जो ग्रुप था लोगों का, उन्होंने डिसाइड किया कि ये रोना अच्छा नहीं है पेड़ों का. तो चलो एक जो पेड़ रो रहे हैं उसमें से एक को हम काट देते हैं. तो ये पेड़ हमारे लिए अनसेफ है, तो चलो इसको काट देते हैं.
तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ को काट दिया, जिसके बाद सिर्फ टू ट्रीज बचे थे। टू टॉल ओक ट्रीज स्प्रेडिंग इन द सन, अब जो है टू ट्रीज बचे, अब वो क्या कर रहे थे, सन में अपने आप को स्प्रेड आउट कर रहे थे, फैल रहे थे सन में, अपने जो पार्ट्स थे, अपने लीव्स थे, वो स्प्रेड आउट कर रहे थे। प्रोग्रेस नाल द बाईपास, देन देयर वॉज वन। सो वहाँ से एक पासर बाई था, वो जाया, एक गुजरता हुआ आदमी था, उसे ज़रूरत थी उस पेड़ की, तो उसने क्या कहा, उसने भी एक पेड़ काट दिया। एंड देन देयर वॉज वन, अब सिर्फ एक ट्री बचा था। वन टॉल ओक ट्री विशिंग इट कुड रन, अब जो है एक टॉल ट्री, एक ओक ट्री बचा हुआ था, वो क्या सोच रहा था कि काश मैं यहाँ से भाग जाता, क्योंकि धीरे धीरे 10, 9, 8, 7 हमारी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही, तो उसने सोचा कि काश मैं यहाँ से भाग जाता। न्यूसेंस ग्राम द फार्मर, देन देयर वर नन, तो फार्मर ने सोचा कि अरे ये कैसी बात कर रहा है, ये तो फालतू की बात है, ये कैसे भाग सकता है यहाँ से, तो चलो अब ये बहुत ज़्यादा फालतू की बातें कर चुका है, तो चलो इसे भी काट देता हूँ और इस एरिया को मैं यूज़ कर लेता हूँ फार्मिंग पर्पज़ के लिए, मैं यहाँ पे खेती वगैरह कर लूँगा। सो अब उस फार्मर ने क्या किया, उस आखिरी बचे हुए ट्री को काट दिया। नो टॉल ओक ट्रीज सर्च द फील्ड इन वेन, अब जो है उस एरिया में जहाँ पे 10 टॉल ओक ट्रीज थे, वहाँ पे अब एक भी टॉल ओक ट्री नहीं था। सर्च द फील्ड इन वेन, वेन मीन्स बिना मतलब के, अब आप फील्ड में कहीं भी सर्च कर लो, आपका सर्च करना व्यर्थ है, वेन मीन्स व्यर्थ, तो आप कहीं भी सर्च करो, आपको कहीं भी टॉल ओक ट्रीज नहीं मिलेंगे। Only empty skylines and the cold grey rain. अब आपको क्या दिखाई देगा उस पूरे फील्ड में, उस पूरे लैंड में, Only empty skylines, सिर्फ खाली आसमान दिखाई देगा, and cold grey rain, cold और grey rain दिखाई देगी, जो ऐसा लगेगा कि जो बहुत ज़्यादा मायूस फील कर रही है बिना उन ट्रीज के। And the poet is Richard Edwards. So children, I hope that you understood the poem. इसमें हमने ये सीखा कि धीरे धीरे पेड़ जैसे जैसे कटते गए, वहाँ उस जगह की जहाँ पे वो पेड़ लगे हुए थे, वहाँ की रौनक एकदम ख़त्म हो गई, वहाँ की खुशहाली ख़त्म हो गई। आपको पता है ना, ये पेड़ ही जो है हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, रेन को भी हम तक पहुँचाने का काम कौन करता है, ये पेड़ करते हैं। सो ये जो पेड़ हैं, अब ये कट चुके थे, तो रेन भी जब हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है, ग्रे का मतलब है यहाँ पे कि वो रेन भी जो है बहुत ज़्यादा उदास है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच इज वर्ड मीनिंग। सो ये द फर्स्ट वर्ड इज फर्नेस, एन एनक्लोज स्ट्रक्चर इन विच मटीरियल कैन बी हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना भट्टी, जिसमें हम लकड़ी को डाल देते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेवरी, अ प्लेस वेयर बियर इज मेड कमर्शियली, ऐसी जगह जहाँ पे बियर वगैरह बनाया जाता है, तो बैरल जो हमने कहाँ यूज़ किया था, ब्रेवरी में यूज़ किया था। नेक्स्ट इज स्क्रीम्ड, गेव अ लॉन्ग लाउड पर्सिंग क्राई, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, साइन मीन्स emitting a long, deep, audible breath, expressing sadness. तो sighing का मतलब होता है एक गहरी सांस लेना जो दुख से भरी हुई है। Next is groaning, making a deep, inarticulated sound, conveying pain, despair, etc. So groaning क्या है? एक काफ़ी ज़्यादा deep sound जो pain को दर्शाता है, pain के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज स्नार्ल, सेड समथिंग इन एन एग्री बैड टेम्पर्ड वॉइस, स्नार्ल का मतलब है किसी चीज़ को बोलना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से। नेक्स्ट इज ग्रम्ड, ग्रम्ड मीन्स एक्टेड इन अ सल्की ग्रम्बली मैनर, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करना, दैट इज ग्रम्ड।
Next is exercise, children. Let's move on to comprehension. Multiple choice questions. So here the first question is, the lesson taught by the poem is that we must cut oak trees. क्या हमें trees को cut करना चाहिए? Trees are destroyed by nature. Nature ही trees को destroy करता है. Oak trees are very useful to man. Oak trees हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा useful हैं. या trees should not be cut. तो सही answer है, trees should not be cut. Now second one, the poet's tone in the poem is one of. अब जो पोएट की टोन है वो कैसी है? जॉय, खुशी भर की भरी, या फिर रिग्रेट, वो किसी चीज़ को लेके उदास है. एंगर, गुस्से में है, या बोर्डम, या वो बोर फील कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? रिग्रेट कर रहे हैं. सिमिलरली डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस चिल्ड्रन, दैट इज गिवन हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू राइमिंग वर्ड्स. सो बी एक्सरसाइजेस गिव राइमिंग वर्ड्स from the poem. So children, do you know how to find out the rhyming words? Let's quickly do it. So first word is line. तो line का हम rhyming word देखते हैं क्या है story poem में. So here children, किसी भी sentence के last word को देखना है. तो हर sentence के last word को जब मैंने देखा तो यहाँ पे है line और यहाँ पे है nine. तो लाइन के साथ क्या राइम कर रहा है? नाइन. सिमिलरली स्ट्रेट, एट. क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट पैसेज की बात करें, नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें, तो हेवन, सेवन. नेक्स्ट स्टिक्स, सिक्स. तो अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं देन यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू fill in the rhyming words. तो line का भी हमने लिखा था ना nine. So let's write it down. Now similarly you have to fill in the other rhyming words. Find them and fill it here. Now see exercises. Explain the given lines in your own words. यहाँ पे कुछ lines दी गई हैं, इन्हें हमें खुद के words में explain करना है. No tall oak trees, search the field in vain. Only empty skylines and the cold grey rain. So आपका जो poem था उसका last stanza है. अभी मैंने आपको बताया है कि क्या है इस stanza का meaning. अब आपको क्या करना है, इस stanza को अपने words में आपको explain करना है and you have to write it here. So this you have to do yourself and with this we have completed the poem. I hope it's clear to you. So complete the given work and I'll be meeting you soon with a new video. Until then, stay tuned and thanks for watching.